तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि बूस्ट वोल्टेज कैसे बनता है। तो आपने ये देखा कि जब हमारी स्विचिंग होगी, जब हमारी स्विचिंग होगी तब जाके हमारी क्वाइल पे EFM जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वहां बूस्ट वोल्टेज क्रिएट होगा और डायोड से रेक्टिफायर डायोड से होते हुए। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, आपने समझ लिया कि आपकी यहाँ से कैपेसिटर कैसे काम करेगा और कैसे आपकी बूस्ट कॉइल काम करेगी। ये सारी चीजें आप लोगों को आ गई समझ में? जी सर, आ गई। तो ठीक है, अब हम IC के बारे में देखेंगे कि IC जैसे हमारे पास कोई सेट आता है, किसी का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, किसी का रिंगर काम नहीं कर रहा है, कोई भी माइक काम नहीं कर रहा, उसके बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई लेयर, तो हमें IC के अंदर से हम जम्पर निकाल के कैसे लगाएंगे? तो IC की पिन से हम जम्पर निकाल के कोई कैसे काउंट करके सॉल्व करेंगे? तो काउंट करने का तरीका है हमारा कि काउंट करने के लिए एक IC आती है हमारी PGIC, ये जो हमारी पिन ग्रेड IC होती है, और एक आती है हमारी BGIC जो बॉल वाली IC होती है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, एक हमारी PGIC होती है, एक BGIC होती है। तो हमें काउंट कैसे करना होता है? तो काउंट करने के लिए हमारी जो IC होती है, जो भी हमारी PGIC होगी, ये हमारी एंटी क्लॉक चलती है, यानी जो हमारी घड़ी होती है, तो घड़ी की हमारी सुई राइट की तरफ जाएगी और ये हमारी गिनती इसमें लेफ्ट की तरफ से शुरू होगी। तो जो हमारी PGIC होती है, इसमें 1 2 3 5 6 ऐसे करके आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में हमारी काउंटिंग चलेगी। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हमारी PGIC की काउंटिंग होगी। तो ये तो बहुत ईजी है। इसके बाद हमारी आती है कि हमें BGIC को काउंट करना है। तो BGIC आपको दो टाइप से काउंट होगी, एक तो होती है नंबरिक IC न्यूमेरिकल, एक होती है अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें आपको ABCD भी मिलेगी और नंबर भी मिलेंगे। जैसे कि हमारे डायग्राम में एक IC खुली हुई है, तो इसमें देखिए D1 B3 E1 C3, जिसमें हमें ABCD के साथ नंबर होते हैं, जो हमारी उसको हम अल्फा न्यूमेरिकल IC बोलते हैं, उसका काउंट करने का तरीका हमारा होता है अलग, और जिसमें अकेले नंबर होते हैं न्यूमेरिकल IC का तरीका अलग होता है। तो हमें कैसे करना है कि इसमें हमें करना है कि अगर हमारी IC जितने भी नंबर होंगे, जैसे C1 C2 C3, जितने भी हम ये बड़ी IC भी बना सकते हैं, कि आपको समझाने के लिए मैंने छोटी सी IC ली है, कि अगर ABCD आपकी ABC 3 डिजिट तक की जा रही है, तो 3 डिजिट तक हम अप टू डाउन ABCD लिख लेंगे और लेफ्ट टू राइट लिख लेंगे 1 2 3। तो इस टाइप से हम इस साइड 1 2 3 लिख लेंगे, इस साइड ABCD लिख लेंगे। अब इसमें ए के सामने जो ना आपका बॉल आया, जैसे ये 1 लिखा है, ये लिखा है, ए के सामने ये बॉल आया, यहाँ 1 लिखा तो ये हमारा A1 हो गया, और ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया। तो इस टाइप से हमें इन बॉलों की काउंटिंग करनी है। अब ABCD ए आपका हो गया कि आपका, जैसे आपने UMC की काउंटिंग की, अब UMC की काउंटिंग, जैसे मैंने डाटा शीट भी लगा रखा है कि आप लोगों को अच्छे से इस चीज में समझ में आ जाए। तो जब हमारी ABCD बहुत ज्यादा पहुंचती है, तो हमें क्या ध्यान देना होता है, हमारी काउंटिंग में ये जो 6 डिजिट है ये काउंट नहीं किए जाते हैं। कौन कौन सा? IOQSXZ, ये हमारे काउंट उसमें नहीं होते हैं। अगर इससे हमारी संख्या ऊपर जाती है, तो हम जैसे Y तक आते हैं, Y के बाद हम A को आगे लेते हैं, A A A B A C A D, इस टाइप से हम फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं। जब हम दोबारा भी शुरू होंगे, तो उसमें भी हमारे 6 डिजिट कभी आएंगे ही नहीं काउंट में। तो इस टाइप से हमें इसकी काउंटिंग करनी है। तो इसमें हमने 1 2 3 इस टाइप का हमने बनाया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, A3 कौन सा है। अब इसमें कई बार होता है कि कई बार हमें IC मिलती है कि उसमें एक बॉल है ही नहीं, कई बार हमें ऐसी IC मिलती है उनके नीचे कुछ बॉल होते ही नहीं। तो जिसके नीचे बॉल नहीं होते हैं, तो उसमें हमें 1 2 3 ABCD हम लिखा है। अब इसमें से माना कि हमारा A बॉल नहीं है, लेकिन A बॉल हमें गिनना पड़ेगा। अगर हमारा B1 A है, तो ये B2 होगा, ये B3 होगा। ए बी टू क्यों होगा? आप तो कहेंगे यहाँ बॉल नहीं है, लेकिन यहाँ बॉल नहीं है, ये अल्फा न्यूमेरिकल IC है, तो इसका कॉलम फिक्स है, इसका एक कॉलम, इसके लिए जो जगह दी गई वो फिक्स है, बॉल यहाँ हो या नहीं हो, लेकिन हम उसकी काउंटिंग करेंगे। तो इसकी काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से आपका ये बॉल हमारा इसमें गिना जाएगा। अब इसी टाइप से अगर आपको मिल गई न्यूमेरिकल IC जिसमें ओनली नंबर, एक IC नंबर अकेले होते हैं, जैसे हमारी PMI 8952 है,
तो 89-52 में आपको 144 बॉल होते हैं, इसमें कहीं एबीसीडी आपको लिखी नहीं मिलेगी, नंबर ही है 1 2 3 4 5 6 12 तक गया, उसके बाद नीचे से शुरू हो गया। तो इसकी जो काउंटिंग होती है, इसमें हमारी काउंटिंग होती है, अगर हमारी आईसी जितने भी बॉल की है तो 1 2 3 4 5 ऐसी जाएगी जहां बॉल खत्म हो जाएंगे, अगर हमें यहाँ 4 पे खत्म हो गई तो हम यहाँ 5 6 उसके नीचे से शुरू करेंगे। और एस आई सी में होता है कि अगर एस आई सी में हमें कोई खाली बॉल मिल गया तो न्यूमेरिकल आईसी का खाली बॉल हम नहीं गिनेंगे, अगर हमारे यहाँ बॉल खाली है तो हम 10 के बाद 11 इसको नहीं गिनेंगे, खाली है कोई दिक्कत नहीं, जो हमें आगे बॉल मिलेगा उसको हम 11 नंबर की बॉल गिनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी न्यूमेरिकल आईसी होती है, अगर उसमें हमें कोई पॉइंट खाली मिलता है, कोई बॉल खाली मिलती है, तो हमें उसको नहीं मिलना है। जैसे हमारे WTR में होती है बहुत सारी बॉले खाली है, वो एक न्यूमेरिकल आईसी है, तो उसके बीच के हम जो बॉल है वो नहीं गिनेंगे, उसके आगे निकल जाएंगे। तो हमें न्यूमेरिकल आईसी में सिर्फ गिनती आपको सीधी ले जानी है, उसके बाद जो हम खत्म हुआ उसके नीचे के बाद उसके आगे का अंक आप ले जाएंगे, और जो भी बॉल हमारी खाली होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी अल्फा न्यूमेरिकल, जो अल्फा न्यूमेरिकल आईसी है, तो अल्फा न्यूमेरिकल आईसी में आपका 1 2 3 और ABCD रहेगा, अगर इसमें हमारा कोई बॉल खाली छूटता है तो उस बॉल को हम गिनेंगे, क्योंकि उसकी जगह रिजर्व है, हमारा एक रो और एक जो कॉलम बना है उसकी जगह रिजर्व है, इसलिए हमें उसको काउंट करना ही पड़ेगा, उसको हमें काउंट करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से हमें काउंट करना है। अब जैसे एक हमारी डायग्राम में लूप आईसी खुली हुई है, लूप आईसी हमारी जो ग्राफिक्स आईसी होती है, प्लस माइनस वोल्ट बनाते हैं, तो लूप आईसी हमारी खुली हुई है, तो इसमें आपको कैसे काउंट करना है, इसमें अगर आपको आपने मोबाइल की आईसी भी नहीं उठाई, फिर भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो कि आपके बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी आईसी कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, लंबी होगी, तिरछी होगी, कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। जैसे इसमें देखो 1 2 3 में दिया है 1 2 3 3 से आगे इसमें कहीं हमें 4 नहीं दिख रहा, ठीक 4 नहीं दिख रहा, तो हम जैसे इस टाइप की आईसी बनाएंगे 1 2 3 तीन बॉल बन गए। अब इसमें हमें ABCD में सबसे आखिरी का कौन सा दिख रहा है, ABCDE, तो हमारा बनेगा ABCD और E, इस टाइप की हमने बना ली। अब अगर हमने मोबाइल की आईसी भी नहीं निकाली, फिर भी हमें जो स्ट्रक्चर मिल गया कि हमारी आईसी इस टाइप की निकलेगी, नीचे बॉल इस टाइप के निकलेंगे। अब ये तो सीधा है काउंट करना, ये हमारा ये 1 हो गया, ये हमारा ये 2 हो गया, ये हमारा ये 3 हो गया, इसी टाइप से B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसी टाइप से हमारा ये कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो जैसे हमें इसमें देखना है डायग्राम में, अब जैसे D1 पे लिखा है LX, D1 पे हमारा लिखा है LX, तो D1 हमारी कौन सी हुई, D1 हुई हमारी ABCD, D1 हुई हमारी ये हमारी LX पिन हो गई। LX पिन का मतलब है स्विचिंग पिन, यहाँ हमारी स्विचिंग हो रही है, LX जो पिन होती है वो हमारी स्विचिंग पिन है, तो यहाँ हमारी स्विचिंग हो रही। इसके बाद B3E1 पर क्या लिखा है, PGND, ये ग्राउंड है, पावर ग्राउंड है, तो इस पे हमारा ग्राउंड कनेक्ट होगा। तो इस टाइप से किस बॉल पे कौन सी लाइन कनेक्ट है उसकी काउंटिंग क्या है, C3 पे हमें लिखा है कि C3 पे CP कनेक्ट है, एक कैपेसिटर कनेक्ट है, तो कैपेसिटर कनेक्ट है तो C3 हमारी है कहाँ, तो हमने ये गिना C1 C2 C3। अगर कभी आपने देखा कि हमारी कोई लाइन कट गई, माना कि C1 पे दिया है VIN वोल्टेज इन, जो मेन हमारा इसमें वीवेट इनपुट हो रहा है, तो ये हो रहा है C1 पर। अब इस आईसी की आप रिक्वायरमेंट पूरी करोगे कि इसमें वीवेट आ ही नहीं रहा, इस आईसी को वीवेट नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगी। अगर आपका ट्रैक गल गया, कुछ भी गया, तो आपको पता है कि हमारी किस पिन पर वीवेट जा रहा है, C1 पर, तो C1 पिन ABC C1 पिन ये है, तो C1 पे आपका वीवेट आ रहा है। अभी हमें एक चीज में और जरूरी होता है, माना कि MI और ये कुछ स्कीमेटिक अवेलेबल होते हैं, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इनके स्कीमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन वही आईसी हमारे 5A में लगी हुई है, वही आईसी हमारी
किसी अदर सेट में लगी हुई है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट चेक करना है, तो C1 पिन पे वोल्टेज इन हो रहा है तो ये आईसी किसी भी सेट में हो वहां भी वोल्टेज इनपुट भी होगा। ऐसा नहीं है कि C1 पिन पे ये आईसी किसी दूसरे सेट में लगी तो कोई अदर फंक्शन करने लगेगी, नहीं करेगी, जो वर्किंग इसमें कर रही वही उसमें कर रही। इसलिए हमें डाटा शीट को रीड करना, बॉलों को काउंट करना, ये चीजें सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब जाके हम किसी बिना स्कीमेटिक वाले मोबाइल को भी समझ सकते हैं कि हमें इसमें कहां क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इस टाइप से ये चीज समझ में आई जी सर कि पीजीए जो बॉल हमारी होती है तो उसमें हमें एंटी क्लॉक काउंट करनी है, बीजीए जो बॉल होती है उसमें अल्फा न्यूमेरिकल जो आईसी होती है उसमें हम खाली बॉल को गिनते हैं और 1 2 3 एबीसीडी के हिसाब से हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। और जो हमारी न्यूमेरिकल ओनली नंबरिंग वाली आईसी होती है अगर इसमें कोई बॉल छूट गया तो हमें वो नहीं गिनना है। तो ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे हमें काउंटिंग करनी है, क्या करना है। तो ये चीजें हमें इसलिए सीखना जरूरी होता है कि किसी सेट का अगर डायग्राम नहीं है तो हमें, और किसी सेट का डायग्राम भी अगर कोई पिन हमारी वाटर डैमेज हो गई, कुछ प्रॉब्लम है तो हमें देखना है कौन सी पिन पे कौन सी सप्लाई जा रही, कहीं हमारी कोई लाइन ब्रेक होगी किसी पिन से हमें जंपर निकालना है, तो काउंटिंग आना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है।